प्रीलिम्स के लिए बेसिकली करंट अफेयर्स पढ़ा बहुत ज़्यादा, और स्टैटिक भी एकदम रिवीजन पे रिवीजन। लक्ष्मीकांत पता नहीं कितनी बार रिवाइज की। तो आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाए। तो क्या लगता है आपको कि कितने हेल्पफुल रहे अभी तक आपके? मतलब ये सब पे डिपेंड करता है, किसी किसी के हेल्पफुल रहते हैं किसी के, लेकिन मेरे हेल्पफुल रहे रिवीजन करने में। आंसर राइटिंग मैंने प्री के रिजल्ट आने के बाद ही की थी, और बहुत ज़्यादा लिखा था, लिखा ही लिखा। डेली मिनिमम कितने क्वेश्चन आप लिखते थे? मतलब डेली 2-3 टेस्ट पूरे। कितने घंटे पढ़ते थे मैम? मेंस प्रीलिम्स के बाद पढ़ाई शुरू की, ज़्यादा बिल्कुल हैवी 11-12 घंटे। ऐसे UPSC के कई प्रीवियस टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया है, तो मुझे भी यही लगता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। सबसे पहले अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड? मेरा नाम दिव्या है, मैंने BSc किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू। मीडियम का था मैम आपका? मेरा हिंदी मीडियम। तो मैम सबसे पहले बताइए, आप अंदर गई तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा, किस पोर्शन से आपसे क्वेश्चन था? मुझसे बेसिकली क्वेश्चंस वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और मेरे स्टेट को लेके, मतलब डेफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जैसे आपने बताया करंट अफेयर जो आपका ऑप्शनल था, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? नहीं, ऑप्शनल से भी पूछे गए, ऑप्शनल से और डेफ से पूछे। मैम आपका ऑप्शनल क्या था? हिंदी लिटरेचर। तो मैम जैसे कि आपने बताया डेफ, तो इंटरव्यू के पहले आपने डेफ को कैसे प्रिपेयर किया? डेफ में जो टर्म्स थे जिन पे क्वेश्चंस हो सकते।